नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सोहन शर्मा किचन किंग में। मैं हूं सोहन शर्मा और आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया टेस्टी टेस्टी चटपटा आलू का स्नैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आलू का स्नैक्स बनाना। ये किसी मंचूरियन से कम नहीं है और इतना ही जल्दी और फटाफट बनता है और इतना ही टेस्टी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन का बटन, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। ये प्रोसेस चीज लिए मैंने, इसको कद्दूकस कर लिया, 50 ग्राम प्रोसेस चीज है ये। और ये लहसुन है 10-12 कली, एक हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये 500 ग्राम छोटे आलू है, बिल्कुल छोटे वाले आलू है ये 500 ग्राम। इनको अच्छे से वॉश करके छील लेते हैं। तो चलिए आलू और सब चीज़ों को छील लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने आलू को इस तरीके से अच्छे से छील लिया और उनको पानी के अंदर रख दिया है। चीज़ हमारी रखी है, हरा धनिया रखा है और लहसुन को मैंने दरदरा कूट लिया है, हरी मिर्ची को बारीक काट लिया, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना लहसुन का। तो चलिए गैस ऑन कर लिया, उसमें मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल डाल लेते हैं। ये मैंने 3 छोटे चम्मच तेल डाला है। आप तेल अगर थोड़ा कम लेना चाहे तो कम ले सकते हैं, इसमें कम की ज़रूरत होती है। जैसे ही तेल गर्म हो गया तो हमारे पास जो दरदरा कूटा हुआ 2 चम्मच जो लहसुन का पेस्ट था वो हमने डाल दिया। हरी मिर्ची भी बारीक कटी हुई जो एक थी हमारे पास, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी है जैसे हमारा तेल गर्म हो गया। उसके बाद तो इसको 30 से 35 सेकंड तक पका लेते हैं लहसुन हरी मिर्ची को। उसके बाद हमारे पास जो छीले हुए आलू है उसका पानी हटा दिया है। छीले हुए जो आलू थे 500 ग्राम वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। और अब हम नमक डाल देंगे। ये लहसुन और नमक के साथ पकेगा, इसका इतना टेस्टी फ्लेवर आता है कि आप एक बार ये स्नैक्स बना के खाओगे तो क्या बात है। तो चलिए नमक डाल देते हैं। मैंने 1/2 छोटी चम्मच नमक डाला, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। तो चलिए इसको हिला देते हैं, अच्छे से मिला देते हैं इसको। उसके बाद ढक्कन लगा देते हैं। हम 3 मिनट के लिए गैस को कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, यानी कि मीडियम आंच पे, और 3 मिनट के लिए रख देते हैं। फिर हम 3 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। तो चलिए 3 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा हिला देता हूँ। आलू अभी तक पके नहीं हैं, कम से कम पकने में 6 मिनट लगेंगे इस आलू को। तो देखिए थोड़ा हिला देते हैं, आलू अभी तक पके नहीं हैं। फिर से हम मीडियम आँच पे 3 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे इसको। ये लहसुन के साथ पकेगा, इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसका, आप ज़रूर बना के देखिए। तो चलिए फिर 3 मिनट बाद हम इसको चेक कर रहे हैं। 3 मिनट के बाद देखिए, हाँ अब मुझे लग रहा है पक चुके हैं। तो हम इसको चेक भी कर लेते हैं, पके हैं कि नहीं पके हैं। मीडियम आंच पे था गैस, तो चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, हाँ बिल्कुल आलू पक चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इसके अंदर जो मसाले डालने हैं वो डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम जो 50 ग्राम हमारे पास जो चीज़ थी, इसमें चीज़ आप अगर कम डालना चाहे तो डाल सकते हो। कद्दूकस की हुई चीज़ थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है सारी, आप कम डालना चाहे तो कम डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिला लेते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर मसाला डालते हैं, चिली फ्लेक्स। तो चलिए चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं हम इसके अंदर। मैंने 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स डाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप साबुत लाल मिर्ची को कूट के भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अच्छे से मिला देते हैं चिली फ्लेक्स को, इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और अब हमारे पास हमको 2-3 सॉसेस डालने हैं इसके अंदर। जो सॉस डाल लेते हैं हम, सबसे पहले तो हम डालते हैं इसके अंदर रेड चिली सॉस। मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डाला है इसके अंदर। उसके बाद हम डालेंगे विनेगर, नॉन फ्रूट विनेगर है, सिरका 1 चम्मच। आप इसकी जगह नींबू भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 बड़े चम्मच टमाटर सॉस डाला है। सिरका की जगह आप नींबू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इनको अच्छे से मिला देते हैं। देखिए क्या कलर आ रहा है इनका, और देखने में भी इतने शाही लग रहे हैं कि वाह क्या बात है। तो इस तरीके से चलो मिला देते हैं। और उसके बाद हम गैस को कर देते हैं धीमी आंच पे और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेते हैं। देखिए कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 2 चम्मच, और इसको थोड़ा पानी डालकर मिला लेते हैं। थोड़ा पानी डाल के इसको मिला लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालना है आपको, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए इस तरीके से मिला लेना है इसको, ये पूरी तरीके से मिल चुका है। तो ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम उसके अंदर डालेंगे। तो चलिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। पहले थोड़ा डालिए, आपको ज़रूरत लगे तो बाद में और डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा रख लिया है उसमें से और थोड़ा डाला है।
तो देखिए इसको डालने से ये है कि इसका जो मसाला है वो पूरी तरीके से आलू के चारों तरफ लिपट जाएगा। तो देखिए कितने शानदार लग रहे हैं। अब हमारे पास जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया है वो भी हम इसके ऊपर डाल देते हैं। बहुत अच्छा स्नैक्स बनता है, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनता है और फटाफट बनता है। आप 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं इसको और 10 मिनट के अंदर मेहमानों के सामने ले जा सकते हैं। मेहमान यही कहेंगे अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर और ज़्यादा पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताएं कि कैसी लगी ये रेसिपी। और हम अब प्लेटिंग कर रहे हैं इसकी। देखिए इस तरीके से प्लेटिंग कर लेनी है आपको। उसके बाद हम एक एक पीस कांटे से उठाकर आसानी से खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी चीज़ घसी थी, एक क्यूब आधा क्यूब चीज़ घसी थी बारीक वाले कद्दूकस से, तो वो हम इसके ऊपर देखिए इस तरीके से थोड़ी सी लगा देते हैं। डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा धनिया लगा देते हैं। क्या शाही स्नैक्स लग रहा है, देख के ही दिल खुश हो जाएगा। अगर आप बना के खाओगे तो कितना अच्छा लगेगा। इस तरीके से कांटे से उठाइए एक पीस और खाइए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और पहली बार अगर हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसके बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दूँ। और बनाते रहिए, खाते रहिए, बताते रहिए। मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, खाते रहिए, बनाते रहिए। नमस्कार आप सभी को।